सर आप आज यहाँ एनजीओ में पहुंचे हैं, आप यहाँ उपस्थित है, जितना वैक्सीनेशन का ड्राइव देश में भी चल रहा है, सरकारों को भी वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में अगर हम देखें तो चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या उसके पहले का कोई भी वेरिएंट हो, जहाँ पर वैक्सीनेशन के दो डोज हो गए, ऐसे जगह पर एसिम्प्टोमेटिक लोग कोरोना इन्फेक्टेड हुए लेकिन सिम्टोमेटिकली कोई बहुत इफेक्ट हुआ है या किसी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और विशेष रूप से मैं तो ऐसा मानता हूँ पत्रकारों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कोरोना के काल में जो चंद लोग फील्ड के ऊपर लगातार घूम रहे थे, जिनको लॉकडाउन का जिनके ऊपर असर नहीं था क्योंकि उनका काम ही जनता में जाना है, तो इसलिए ऐसे समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उसमें पत्रकार थे, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत पत्रकारों के लिए आवश्यक है। तो पत्रकारों के लिए आवश्यक है, देश के कई राज्यों ने फ्रंटलाइन वर्कर को घोषित किया है पत्रकारों को, बट महाराष्ट्र में अब तक केजरीवाल आपके पक्ष के नेता हैं, लगातार कई लोग ये बातें लिख रहे, मंत्री भी बोल रहे हैं, कहाँ सरकार सुन रही है? नहीं, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, कई लोगों ने निवेदन किया, परंतु जब देश की 15 सरकारें पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करती है, तो वैसे तो हमेशा महाराष्ट्र जो है हम ये कहते हैं कि पुरोगामी है, ये सबसे पहले निर्णय लेने वाला है। पता नहीं इस मामले में कहाँ अटका है और ऐसी कौन सी बात है जो इसको अटका रही है, पर मेरा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी अपील होगी कि महाराष्ट्र में तुरंत हमारे तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जाए।